हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम किचन में बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। तो पाव भाजी बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं पाव भाजी बनाने के लिए। आपके घर में जो जो सब्जी हो आप सब्जी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लौकी ली है, इसको कट करके रख लिया है। टमाटर, आलू, 3 आलू मीडियम साइज़ के, ये फ्रोजन मटर है, और 2 शिमला मिर्च है, 2 गाजर और 2 प्याज, 1 चुकंदर, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी ले लिया है, मेरे पास रखा हुआ था। तो हम सबसे पहले कुकर को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे तेल, 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। बटर का इस्तेमाल हम इसमें बाद में करने वाले हैं, इसलिए हम पहले इसमें तेल डालेंगे। मसालों में हमें हल्दी, मिर्चा, पाव भाजी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा, बस हम इतने का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें तड़के में जीरा डालते हैं। तेल गर्म हो गया, मैंने जीरा डाल दिया, जीरा चटकने लगा। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप अदरक को कट करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। और ये प्याज को हमें अच्छा सा पकाना है इसी तेल में। कुकर में हमारा पाव भाजी बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगा। जब हमारा प्याज हल्का सा पक जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब इसमें हम टमाटर डालेंगे और फिर उसके बाद कुछ मसाले डालेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम इसमें डालने तक पकाएंगे। अभी टमाटर हमारा गल चुका है लगभग। इसमें हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक, हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, इतनी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बस आप अपने हिसाब से जैसा कम ज़्यादा तीखा खाते हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा कलर के लिए हम इसको डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से चला देंगे। इसके बाद हम इसमें सब्जियों को भी ऐड कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्जियों को ऐड करके पाव भाजी मसाला डाल के, मटर, मटर आप बाद में भी डाल सकते हैं, फ्रोजन मटर है तो, नहीं आप पहले भी डाल सकते हैं, आलू, सारी सब्जियों को आप डाल दीजिए। शिमला मिर्च और गाजर, चुकंदर, बहुत ही पौष्टिक सब्जी बनके तैयार होगी पत्ता गोभी।
अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। चुकंदर पौष्टिक भी होता है और इससे पाव भाजी में कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी और पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला हमें 2 बड़े चम्मच डाल देना है। अब इसी में हम पानी डाल के ऐड कर देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, करीब 1/2 गिलास के करीब ही पानी डालना है। जैसे आपकी सब्जी हो, जितनी आपकी सब्जी उस हिसाब से पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसको अभी हमें मिक्स करना है, घोटना है। अब हम इसमें लगा देंगे सीटी। कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और करीब 6 से 7 सीटी आ जाए तब तक इसे हमें पकाना है। खूब अच्छे से सब्जियों को गल जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये पाव भाजी मिक्स तैयार होता है। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। 7 सीटी आ गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब कुकर को हम ठंडा होने देंगे। गैस निकल गई है। अब इसको हम खोलेंगे। सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। अब इनको हमें मिक्स करना है, इसको हमें फोड़ना है अच्छे से। तो इसके लिए हम मैसर का इस्तेमाल करेंगे। कलछी से भी आप इसको इस तरह से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से फोड़ सकते हैं। इस मैसर के साथ थोड़ा आसानी होगी, इसको हम अच्छे से फोड़ देंगे। इस तरह से हमने थोड़ी देर में इसको इस तरह से घोट के तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें केवल तड़का लगाना है। तो हम तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए हम गैस स्टोव को चलाएंगे, तड़का पैन रखेंगे। तड़का गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसमें बटर भी डालेंगे। तेल इसलिए ताकि हमारा बटर जले ना। बटर को ऐड करेंगे। बटर हमारा जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर, एकदम थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिए, नहीं तो हमारा। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ये पाव भाजी मसाला। अब इसको हम डालेंगे अपने इस पाव भाजी, पाव का भाजी बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। ये सर्विंग के लिए एकदम तैयार है। अब दूसरी तरफ हम आपको पाव सेक कर दिखा देते हैं।
इसके लिए हम तवा गरम करेंगे। चंद मिनटों में पाव बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि पाव हमने रेडीमेड लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम पाव की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करें, तो आप नीचे कमेंट में हमें बताइए, हम उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हैं। ये पाव मैंने रेडीमेड लिया था, अब इसको हम इस तरह से इसको बीच से कट करेंगे। नाइफ शार्प होनी चाहिए कट करने के लिए, इस तरह से। और अभी हमारा ये तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। और इस पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी छिड़क देंगे। हम अपने पाव को इस तरह से इस पे अरेंज करेंगे, इस तरह से। अब दोनों तरफ से हम पलट के इसको सेक लेंगे ऐसे। अब हमारा पाव भी बनकर तैयार हो गया है, बस अभी हम इसको सर्व करके भी दिखाते हैं आपको। जब खाना हो पाव ऐसे सेक लीजिए। और तो अभी हम इसको सर्व करते हैं। इस तरह से हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार हुई है। अब आपको बताना है कि हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही डिलीशियस होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।